मध्य प्रदेश के विद्यार्थी चिंतित थे कि सर आखिर कैलेंडर जारी कब करेगा हमारा व्यापम ईएसबी। अब उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और एक साथ बहुत सारी भर्तियां इस बार 2024 दिसंबर तक होने वाली हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। अगर तक अभी तक आप क्या थे, थोड़े से ढीले हो गए थे, आपकी पढ़ाई को आपने मंद कर दिया था, पर ये समय है अपनी गति को बढ़ाने का, क्योंकि दोस्तों ये मौका इस बार आपको हाथ से नहीं जाने देना है। पिछली बार आपने तैयारी करी थी पर किसी कारण बस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, इस बार भिड़ जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने एग्जाम दिख रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप सिलेक्शन जरूर लेंगे और हम आपका सपोर्ट बिल्कुल तहे दिल से करने वाले हैं। तो क्या है आज की न्यूज़, दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। और जून से शुरू होने वाले एग्जाम, 3 साल बाद होगी ग्रुप 4 संयुक्त भर्तियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस न्यूज पे हम लोग पूरा का पूरा प्रकाश डालने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए 18/2/2024 यानी कि आज ही की न्यूज है और उसमें क्या क्या दे रखा है मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। ईएसबी ने बनाया 2024 का शेड्यूल, ठीक है, 11 एग्जाम होंगे, इसमें से 10 परीक्षाएं, देखिए पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं, इस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। पूरा क्या गलतियां हुई, रुके हुए रिजल्ट इसी महीने वो लागू कर देंगे, नर्सिंग कॉलेज में दाखिलों की प्रवेश परीक्षा होगी, हमें ये वाला पे फोकस करना है। ये जो कटिंग दे रखी है यहाँ पर, इस पे हमें चर्चा करेंगे। इसको मैं जूम करके अगले पेज पे लेके आता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी भर्तियाँ आपके लिए आने वाली। देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र हेतु प्रवेश परीक्षा होगी, PNST जिसे कहते हैं। माध्यमिक शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, विषय शिक्षक खेलकूद गायन वादन एवं प्राथमिक शिक्षक खेलकूद गायन वादन नृत्य, चयन परीक्षा 2023 अगस्त में होगी। तो ये भैया बहुत शानदार एग्जाम होने वाली है, इसके लिए बिल्कुल भिड़ जाइए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, ये अगस्त में होने वाली है, ठीक है। इसके बाद ITI प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि टीओ की परीक्षा सितंबर में होगी और टीओ बहुत शानदार वैकेंसी है। जितने भी डिप्लोमा कर रखे हैं, इंजीनियरिंग कर रखे हैं, तो इंजीनियरिंग वालों, इंजीनियर्स जितने भी, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस होने वाला है, इस बार भिड़ जाइए और सिलेक्शन लीजिए। इसके बाद बात करें महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक, जितनी भी महिलाएं हैं मेरी बहनें, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप एक सरकारी नौकरी, एक अच्छे विभाग में जा सकती हैं और इसकी तैयारी में जुड़ जाइए। ये कब होगी, ये सितंबर में होने वाली है। समूह 1 ग्रुप 3 प्रबंधक सहायक अनुसंधान सहायक बायोकेमिस्ट सहायक स्वच्छता अधिकारी एवं समूह 1 एवं समूह 2 के लेखा संरक्षण सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है, समक्ष बैकलॉग भर्ती हेतु 2024 अक्टूबर में होगी। समूह 4 संयुक्त भर्ती 2024 में होगी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की। उपयंत्री यानी कि सब इंजीनियर, ध्यान दीजिएगा, जितने भी इंजीनियर हैं सब इंजीनियर की भर्ती नवंबर में होने वाली है। समूह 2 समूह 3 की संयुक्त भर्ती दिसंबर में होगी। समूह 2 समूह 4 की संयुक्त भर्ती दिसंबर में होगी। इसके अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक तकनीकी एवं प्रधान आरक्षक ये दिसंबर में होगी। तो इन भर्तियों में से अगर हम लोग बात करें, टेक्निकल 2 भर्ती आपको नजर आ रही है, एक तो सब इंजीनियर टीओ, दूसरा अगर हम बात करें महिला पर्यवेक्षक, ध्यान दीजिएगा, बहुत सालों बाद ये भर्ती निकल के आ रही है। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं इस बार तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये वो समय है जिस समय आप एक सरकारी नौकरी में जा सकती हैं और अपना और अपने परिवार को बहुत अच्छे से आप ख्याल रख सकती हैं इस नौकरी के तहत। तो करना क्या है दोस्तों, आपको तैयारी में जुट जाना है। कैसे जुटेंगे, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा महिला पर्यवेक्षक, ठीक है, महिला सुपरवाइजर की अगर बात करें, इसका हम लोग ऑनलाइन कोर्स पूरा का पूरा लेके आने वाले हैं आपके लिए। ऑनलाइन कोर्स भी रहेगा और साथ में ऑफलाइन कोर्स भी रहने वाला है। तो जो बहनें जो हैं ऑफलाइन हमारे साथ तैयारी करना चाहती हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन कोर्स भी, और जो घर बैठकर ऑनलाइन हमारे साथ तैयारी करना चाहती हैं महिला पर्यवेक्षक की, तो उनके लिए एक शानदार हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, जिस कोर्स के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज, पूरे PDF नोट्स, ठीक है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा, ये सवाल उठता है, सर मिलेगा कहाँ, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। आपको परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है भाई। परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर कोर्स लॉन्च होने वाला है महिला पर्यवेक्षक का। इसके अलावा अगर हम बात करें PEB की समस्त
एग्जामों के लिए कल ही मैंने अनाउंस किया था कि पीबी एक कोर्स पूरा पीबी कंप्लीट, जहां पर मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर साइंस जीके जीएस एमपी जीके सब पढ़ाने वाले हैं, तो वो कोर्स भी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और महिला पर्यवेक्षक, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए इतना शानदार कोर्स लेके आ रहे हैं। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपकी सफलता अब निश्चित होगी। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल अग्रसर होकर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आपकी भर्ती अब सामने है, तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और जल्दी से आप परीक्षा पोर्टल डाउनलोड करें, अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9893690903 पर। चलिए मिलते हैं हम लोग इस कोर्स के साथ, मैं अनाउंस करूंगा इस कोर्स में क्या क्या खासियत होगी, क्या प्राइस होगी जल्द ही। जय हिंद।